हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल हिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स। तो मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारी ये जो सीरीज है वो किस तरीके से चलेगी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 8th का, जिसका नाम है रैशनल नंबर। ओके, सो हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे रैशनल नंबर का। इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, तो इंट्रोडक्शन हम बेसिक लेवल से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आपने बचपन में काउंटिंग करी थी 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी, राइट? तो वही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि वो नंबर जो स्टार्ट होंगे कहाँ से, 1 से, ठीक है? उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज व्हाट, नेचुरल नंबर। और इसको किससे डिनोट करा जाता है, एन से। तो जहां पर भी एन लिखा होगा ना, आप समझ जाना कि नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। बेटा इवन नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो डिवाइड होते हैं 2 से, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। तो यहाँ डेफिनेशन अगर हम देखें, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे इवन नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, ई। तो इनको किससे दिखाया जाता है, ई से दिखाया जाता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, ये जो नंबर्स हैं ये आपके नहीं आते हैं 2 के टेबल में। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। हमने पढ़ा था अभी ऊपर, समझा था कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें एक बार, तो उसमें क्या लिखा है कि व्हेन 0 इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, अगर उसके आगे एक 0 और लगा दिया जाए ना, तो वो क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा होल नंबर। सो अब हम समझेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपने नंबर लाइन करी थी, राइट? बीच में 0 था, इधर सारे पॉजिटिव नंबर आते थे और इधर क्या आते थे, सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है? तो अगर मैं इंटीजर्स की डेफिनेशन बोलूं, तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इज नोन एज इंटीजर। तो जितने भी आपके सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी सारे आपके नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 होता है, वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आपके इंटीजर्स। डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन इन द सेट ऑफ होल नंबर नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन आर इंक्लूडेड, यानी कि आपके होल और नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूडेड है, नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटीजर। तो यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि -1, -2 और -50 और बहुत सारे नंबर, और पॉजिटिव में भी ले लूं यही सारे नंबर 1, 2, 50 और 35 प्लस इंक्लूडिंग व्हाट, 0, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है प्राइम नंबर्स। तो बेटा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो फैक्टर होता है या तो 1 होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, वरना वो नंबर खुद, ठीक है, इटसेल्फ। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे 5 है आपका, ओके, 5 का अगर हम देखें तो 5 ओनली आता है 1 के टेबल में एंड आता है अपने खुद के टेबल में, तो वो नंबर जो क्या है कि जिसका फैक्टर 1 है या तो वो खुद है, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो द नेचुरल नंबर विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, सो अब हम देखेंगे कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में जो कॉमन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 9 और 16। 9 और 16 में अगर कॉमन देखा जाए तो क्या है, ओनली 1, राइट? तो 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, वो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, उसे हम बोलेंगे कोप्राइम नंबर।
यानी कि उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन होगी विच इज वन, और कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। नेक्स्ट जो अब हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर में पूछा भी जाता है और जो आपका चैप्टर भी है, और आप मार्क कर लो, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो आपको लर्न करनी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किसकी है? रैशनल नंबर्स। तो द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली कंडीशन ये कह रही है, वन सेकेंड मैं आपको समझाती हूँ। कंडीशन ये है बेटा कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, और q कभी भी जीरो नहीं होगा। अब p बाय क्यू का मतलब क्या है? जैसे 2/3, 5/4, 3/2, या -4/3, या -16/4, या -5। जिसके नीचे कुछ नहीं, आप क्या लगा दोगे? वन लगा दोगे, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कब नहीं होगा? रैशनल नंबर तब नहीं होगा जब किसी भी डिजिट के नीचे डिनोमिनेटर में जीरो होगा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन यही कह रही है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो क्यू है वो कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये मैं मार्क कर देती हूँ वन सेकेंड। तो ऑल दीज आर व्हाट? ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, लेकिन जैसे ही डिजिट के नीचे जीरो लगा तो ये क्या हो गया? ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर मैं सिंपल कोई डिजिट लिख देती हूँ, जैसे 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ बेटा, ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 1। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में इसका क्वेश्चन बनता है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि कितनी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम एक एक करके इसको डिटेल में समझेंगे। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं टिक कर देती हूँ। आपकी इम्पोर्टेंट है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स से एक क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली, एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जिन पे मैंने आपका इम्पोर्टेंट लिखा है आपको उनको ढंग से करना है, ठीक है। ओके, सो अब हम समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझने से पहले आप समझो कि मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं। तो मैथ्स में बेसिकली 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन, एंड फोर्थ वन इज डिवीजन, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन होते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ वी ऐड 2 नंबर्स, अगर हम 2 नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो जब हम 2 रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर मिल रहा है। जब हम 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तब भी हमें क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर मिल रहा है। थर्ड चीज, जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर मिल रहा है। जब हम 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर मिल रहा है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि सपोज 2 कोई भी रैशनल नंबर है, पहले मैं इसकी फॉर्म लिख देती हूँ। सपोज इफ वी डू एक्स बाय वाई प्लस जेड बाय पी is equals to a by b। तो इसमें ये बोल रखा है कि if we add 2 numbers तो हमें rational number मिलेगा। तो मैंने 2 number add करे, मैंने plus करा 2/3 plus 1/3, तो कितना मिलेगा मुझे? 3 और 3 3 and 2+1। LCM ले लिया नीचे का and then हमने इसे solve कर दिया। तो ये जो number मिला है मुझे 3/3, जिसको मैं cut करके 1 भी लिख सकती हूँ, और 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये क्या मिला है मुझे? रैशनल नंबर मिला है। तो ये कहते हैं कि अगर हम 2 नंबर या 2 रैशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। यही सेम चीज आपकी माइनस में भी फॉलो होती है। अब क्या है? एक्स बाय वाई माइनस जेड बाय पी इज इक्वल टू व्हाट? ए बाय सी।
कोई भी दो नंबर ले लो, वही दो नंबर ले लेते हैं आप। और इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर, 2 माइनस 1 क्या होता है आपका, 1/3। तो आप देखो कि 1/3 कहीं ना कहीं एक रैशनल नंबर है। और हम देखते हैं आप मल्टीप्लीकेशन में यही आइडेंटिटी। तो हमने क्या लिखा, कोई भी दो नंबर ले लो, एक्स वाई बाय वाई मल्टीप्लाई जेड बाय सी इज इक्वल टू ए बाय बी। तो हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, ओके, तो 2 1 जाए 2, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से होती है, नीचे की नीचे से, ओके, एंड 3 3 जाए 9, तो कितना आया हमारा 2/9। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, रैशनल नंबर है। अब जो हमारा बचा है वो बचा है डिवाइड का, तो डिवाइड में भी चेक करते हैं कि ये फॉलो होता है या नहीं होता। तो डिवाइड की आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स बाय वाई डिवाइड बाय जेड बाय बी ए बाय सी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कोई नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल 2/3 डिवाइड बाय, वन सेकेंड, व्हाट वी हैव टेक, ओके, 3/3 इज इक्वल्स टू, अब मैं अगर इसे सॉल्व करूंगी 2/3 डिवाइड बाय 3/3, तो क्या मिलेगा मुझे। देखो डिवाइड में हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और वन सेकेंड, मैं इसको ना डिजिट चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैंने इसको ले लिया 5, और पीछे वाली जो डिजिट है ना वो रेसिप्रोकल करती है, यानी कि ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 5/3। और हम फिर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9। तो ये कह रहा है कि अगर हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। तो यानी कि हमने एक चीज नोटिस करी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो चारों ही ऑपरेशन में वैलिड होती है, चाहे वहां पर एडिशन हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन हो रही हो, चारों में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ओके। सो क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर मैं समराइज करूं, तो समराइज करने पे ये निकलेगा कि दो नंबर, जब दो नंबर कौन से, रैशनल नंबर, जब हम दो रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर जो निकलता है ना, हमेशा क्या निकलता है, रैशनल नंबर ही निकलता है। ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी समझाती है। सो नेक्स्ट है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है, आपके पास दो रैशनल नंबर है ए और बी, और ये कहती है कि जब आप ए प्लस बी करोगे ना, या आप बी प्लस ए करोगे, तो आपका जो समीशन आएगा ना वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली कह रही है, चाहे आप ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और अगर ये आंसर सेम आता है तो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, अगर आंसर सेम नहीं आता है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं एडिशन में, प्लस में चेक करेंगे। हमने कोई भी दो नंबर ले लिया, हमने ले लिया 2/3 एंड 3/2। बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं LHSC यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी कितना आएगा, 5 आएगा, और राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोनों तरफ सेम आ रहा है, राइट। तो यानी कि LHS और RHS आपस में बराबर है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करती है, राइट। सेकंड चीज अब हम ले लेते हैं सब्सट्रैक्शन की, ओके। तो अगेन मैंने क्या करा, 2 माइनस 3, एंड फिर क्या करा, 3 माइनस 2। अब जब मैं इनको माइनस करूंगी, इधर आएगा -1 और इधर आएगा +1। क्या यहाँ पर आंसर आपको सेम दिख रहा है, क्या LHS और RHS बराबर है, आंसर कीजिए, नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी वर्क नहीं करती है किसमें, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव चेक करिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, इधर भी 6 आएगा और इधर भी 6 आएगा। तो यानी कि दोनों तरफ सेम आ रहा है, LHS RHS बराबर है, दैट मींस दैट कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिवीजन में चेक करना, हमें ना चारों ही ऑपरेशन में चेक करना होता है, ओके। सो नेक्स्ट इज हमारा डिवीजन। सो डिवीजन में क्या है, मैंने लिखा कि 2 या कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं लेती हूँ 10 डिवाइड बाय 5, और फिर मैंने लिया 5 डिवाइड बाय 10। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगी कितना आएगा, आंसर आएगा 2, और अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करूंगी आंसर कितना आने वाला है, 1/2। क्या ये दोनों सेम है, एक तरफ आपका 2 आ रहा है, एक तरफ 1/2 आ रहा है, क्या ये सेम है, ये सेम नहीं है। दैट मीन्स दैट
LHS is not equals to RHS. Okay, तो हमने क्या समझा that commutative property work करती है only and only addition and multiplication और किसी में भी यानी कि subtraction और division में ये काम नहीं करती है. अब जो मैंने digit ली ना वो simple ले ली थी, तो आप इसको मतलब ये एक तरीके का rational number ही है, confuse मत होना इसमें. तो आप fraction में भी ले सकते हो, but यही है कि ये work करेगी only and only addition and multiplication. Okay? So, अब हम समझेंगे थर्ड प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो अभी हमने कॉम्यूटेटिव में क्या समझा, हमने दो रैशनल नंबर लिए और देखा कि दो रैशनल नंबर किस तरीके से वर्क करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको बोलेगी कि आप तीन रैशनल नंबर लो ए बी और सी, और उसमें क्या करना है, पहले आप दो का सम एक साथ निकालो और फिर बाद में सी प्लस करना. फिर वो राइट हैंड साइड बोलेगी कि ए को अलग कर दो और बी प्लस सी का सम निकालो फिर ए प्लस करना. तो ये प्रॉपर्टी होती है इस तरीके से. ओके, तो ये प्रॉपर्टी अगेन चारों ही ऑपरेशन में वर्क करेगी. तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन से. एडिशन से हम अप्लाई करना शुरू करते हैं. मैंने जोड़ा 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5. अब बच्चों मुझे ये बताओ, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, देन ओ का मतलब होता है ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा और फिर एंड में माइनस होता है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके ब्रैकेट दिख रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हें सॉल्व करो. आप ऐसे नहीं जोड़ सकते कि आप 3 को 5 के साथ जोड़ रहे हो और फिर सॉल्व करोगे, नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो 2 + 3 क्या होता है 5, और 5 + 5 कितना होता है 10. तो LHS कितना आया आपका 10 आया. सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं तो 2 को मैंने ऐसे उतार दिया एंड 3 + 5 क्या हो गया 8 एंड 8 + 2 क्या हो गया 10, ये RHS आ गया. तो क्या ये दोनों सेम है? डेफिनेटली ये दोनों सेम है. तो यानी कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है. अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की. तो सब्सट्रैक्शन में भी अगेन हम क्या करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी. तो हम लोग किन किन डिजिट को एक साथ लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे a और b को और फिर लेंगे b और c को. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल सॉल्व करते हैं. मैं डिजिट ले लेती हूँ, 2 - 3 - 5, इधर क्या लिया मैंने 2 - 3 - 5. ओके, सो 3 में से 2 गए -1 - 5, इधर क्या आएगा 2 - -2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और इधर आएगा -6 और 4 और -6. क्या ये दोनों सेम है? क्या -6 और 4 सेम है? नहीं है. तो यानी कि जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करती है किसमें, सब्सट्रैक्शन में. ओके, सो अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को किसमें, मल्टीप्लाई. तो क्या ये मल्टीप्लाई में वर्क करती है या नहीं करती है, हम देखते हैं. ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई. फिर हमने क्या लिखा, 1 सेकंड, इसको क्लियरली लिखती हूँ मैं. ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी. ओके, तो हमने डिजिट ली 2 × 3 × 5 एंड 2 × 3 × 5. अब मुझे बताओ 2 × 3 कितना होता है 6 और 6 × 5 = 30 और 3 × 5 कितना होता है 15 × 15 = 30. यानी कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी मल्टीप्लाई में. नेक्स्ट है हमारा डिवीजन. डिवीजन में आप क्या करोगे, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c. अब क्या करना है, a और b एक ब्रैकेट में और b और c एक ब्रैकेट में. कोई भी नंबर ले लो, ऐसा नंबर ले लो जो इजीली डिवाइड हो जाए. तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया 5, 10, 15. इधर क्या लिया मैंने 5, अगेन 10 और 15. और जब मैंने इन्हें सॉल्व करा तो कितना आएगा 5/10, राइट. तो डिवाइड होके कितना आएगा 1/2, राइट. और फिर ये डिवाइड है 15, फिर 1/2 मैंने बताया जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है. अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा, तो आएगा 1/15
और ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से 1 1 जा 1 और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से, तो 2 × 15 कितना हो जाएगा आपका 30। तो आंसर कितना आ रहा है 1/30। अब राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो 5 / पहले 10/15 सॉल्व होंगे, इसको कट करेंगे आएगा 2/3। अब 5 / में क्या आएगा 2/3, बेटा जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है राइट, तो 5 के पास चला गया 3 और नीचे 2 रह गया, तो ये क्या आएगा 15/2। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, 1/30 और 15/2 क्या आपस में बराबर हैं, आर दे इक्वल? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो यानी कि देखा जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क्स ओनली इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लीकेशन, दो जनों में ही काम करती है, सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करेगी और डिवीजन में भी काम नहीं करेगी। ओके, सो नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी कब, जब दो साइन दिख रहे होंगे आपको, देखो एक तो मल्टीप्लाई है और एक प्लस, इस तरीके से जब कंडीशन हो रही होगी तब वहां पर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 3 + 5, ओके, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी, ओके, तो अब कितना आएगा, अब आएगा आपका 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 एंड 16। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a × b + c का मतलब होता है a की मल्टीप्लाई b से भी होगी और a की मल्टीप्लाई c से भी होगी राइट। अब यहां पर हो सकता है कि प्लस की जगह क्या हो, माइनस हो, बिल्कुल हो सकता है, तो भी आपकी ये कंडीशन इसी तरीके से फॉलो होगी ठीक है। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 से माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, तो ये आएगा 6, ये 10 और कितना आएगा माइनस। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहती है, कहती है कि आप किसी भी डिजिट में 0 जोड़ोगे तो आपकी वही डिजिट आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए में जोड़ा 0, या 0 में ए जोड़ो तो आपकी आइडेंटिटी क्या आएगी, आपका नंबर क्या आने वाला है, ए ही आएगा। तो ये कहते हैं कि आप किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप 0 जोड़ोगे तो वो रैशनल नंबर ही आएगा, और यही हमारी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स समझते हैं, एडिटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपका आपके पास एक नंबर है 2/3, आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालो। तो बेटा एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है ना, जो साइन है ना उनको रिवर्स कर दो। क्या कर दो, रिवर्स। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो अगर आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, बस यही इसका एडिटिव इनवर्स है। कोई भी नंबर ले लो, अगर मैंने ले लिया -5/9 और मुझे बोला जाता है इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, तो मैं इसे क्या कर दूंगी, पॉजिटिव बना दूंगी, और यही क्या होगा, मेरा एडिटिव इनवर्स होगा। तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, उसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कहती है कि आपके पास एक नंबर है सपोज 2/3, और क्वेश्चन ये कहता है आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल, यू हैव टू जस्ट फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ द डिजिट। तो जैसे ही अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे ना, आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 3 को ऊपर ले गई और 2 को नीचे ले गई ठीक है। तो दिस इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लूँ, मैंने लिया -3/5, अब क्वेश्चन कहते हैं इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो, तो मैंने लिखा 5/3। अब बच्चे सोचेंगे कि माइनस तो 3 के साथ है तो नीचे आएगा, बेटा माइनस किसी के भी साथ हो आप हमेशा ऊपर लिखो ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना कि बच्चे नीचे माइनस लिख देते हैं तो मैम उसके मार्क्स काट लेती है, तो आपने ये ध्यान रखना है माइनस कहीं भी हो आपने हमेशा कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए, कि जो आपके क्वेश्चन में भी आएगी, 1 सेकेंड आई विल शो यू। सपोज ये है ए और हमने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करा 1/a, तो जब हम इसे कट करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 1। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर
हम किसी डिजिट का रेसिप्रोकल करते हैं और हमारा आंसर 1 मिलता है, तो यानी कि वो डिजिट डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, आपकी बुक में भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जो है उसका आपने बताना है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, कि 5 1/5 आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो हमने 5 और 1/5 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जब हमने इसको कट करा तो हमारा आंसर आया 1, और जैसे ही हमें आंसर मिला 1, हमने लिख दिया कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एक बार मैं क्लियर कर दूं कि हमें आंसर 1 चाहिए, हम -1 नहीं आएगा। ऑलवेज क्या आना चाहिए आंसर? 1, पॉजिटिव 1 आएगा तभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर नेगेटिव आता है या कुछ और नंबर आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो कंडीशन आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज दिखा देती हूँ। क्लोजर हमने समझ लिया है, कॉमिटेटिव समझ लिया है, एसोसिएटिव हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने सबको समझ लिया, राइट? तो अब हम एक बार ना इन सबको क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, ओके? सो बेटा, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें आप दो रैशनल नंबर को प्लस करते हो और फिर हमें एक रैशनल नंबर ही मिल जाता है, राइट? तो वो होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें हम चारों ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, चारों में ही क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, इस तरीके की कंडीशन, सॉरी बी प्लस ए, इस तरीके की अगर कंडीशन बनती है जिसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो वो हमारी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? तो हमने देखा था कि ये भी सिर्फ दो ही में लगती है, कौन कौन सी, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिव में हमारी 3 रैशनल नंबर आ जाते हैं, 2 को प्लस करो बाद में फिर 2 को प्लस करो, राइट? नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो है एसोसिएटिव वो किस किस में लगती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा क्या था कि ए की मल्टीप्लाई करवानी होती है बी प्लस सी से, और क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। इसकी पहचान आप कैसे कर लोगे, दो साइन दिख रहे होंगे आपको, या तो मल्टीप्लाई प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई माइनस हो सकता है, ओके? नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी, आप किसी भी चीज में 0 जोड़ो आपको वही नंबर मिलेगा, वही रैशनल नंबर आपको ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि आपको सिर्फ साइन चेंज करने हैं। कोई पॉजिटिव नंबर है अगर ए, तो आप माइनस ए लिख दोगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, राइट? तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए। नेक्स्ट हमने समझी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने उस डिजिट का रेसिप्रोकल निकालना होता है, और इसको चेक करने का तरीका है कि जब हम डिजिट और उसके रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। और अगर हमारा आंसर 1 ऑब्टेन हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छी और बेहतर वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि नीचे जो है जाके एक बेल आइकन होगा उसको दबा दें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ़ोन तक, आपके पास तक पहुंच जाए।